हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा लिखित राग प्रकाश पुस्तक का विमोचन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खा ने किया है। हाल ही में गुजरात राज्य वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। हाल ही में राकेश पाल भारतीय तटरक्षक आईसीजी के 25वें महानिर्देशक बने हैं। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रागनंदा ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में मुंबई को 118वीं रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। हाल ही में निवृत्ति राय ने इवेंट्स इंडिया की एमडी एंड सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यकरण के लिए कार्य करेगी। हाल ही में रेसलर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के ट्रायल की छुट्टी दी है। हाल ही में एनी अवार्ड से भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चीन देश में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। हाल ही में भारत ने जून तिमाही में कुल 19% ऑयल सील निर्यात की बढ़ोतरी की है। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। हाल ही में टाटा ग्रुप ने इंडिया यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में सात्विक साईराज ने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56.23 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार संशाक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को सवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसी और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।